हेलो नमस्कार दोस्तों मैं गौतम कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और जिसमें हम आप सबों के सामने हर दिन का करेंट अफेयर्स मतलब डेली करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित होता हूं और जिसमें आज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉलिटी का टॉपिक डाला गया है लेकिन क्या था पंद्रह अक्टूबर का करेंट अफेयर्स शेष बचा था और उसी को लेकर उपस्थित हूं और जिसमें हम लोग देखेंगे कई ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम या तो बिहार हो बीपीएससी हो या दरोगा हो या भी जीडी का एग्जाम हो सब में करेंट अफेयर्स का इक्वली इंपॉर्टेंस होता है तो उसी के लिए अफेयर्स का का सितंबर श्रृंखला हम आप लोगों को दिए थे लेकिन आज क्या है पंद्रह अक्टूबर का करेंट अफेयर्स और जिसमें देखते हैं पहला करेंट अफेयर्स और क्वेश्चन नंबर पहला ही इंपॉर्टेंट है जिसमें क्या कहा गया है कि विश्व प्रवासी मतलब प्रवासी मतलब क्या होता है जैसा आप लोग को बताए थे जैसे महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे, तो उनके कौन सा विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है और जिसमें क्या होता है? जैसे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो इसी याद में हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं वैसे ही क्या है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है तो ये चौदह अक्टूबर को मनाया जाता है और अक्टूबर मंथ से आप लोग को कई हम लोग देख रहे थे डेट जो इंपॉर्टेंट था जैसे जिसमें पहला है एक अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस दो अक्टूबर और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि दो अक्टूबर को कौन सा अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस तीन अक्टूबर को कौन सा विश्व प्रकृति दिवस चार अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस और पांच अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो ये पांच सितंबर को जिसको हम लोग क्या सर्वपल्ली राधा कृष्णन के आद में मनाते हैं आगे छह अक्टूबर को जैसे जो भी नीचे दिया हुआ दे है इसको हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं तो आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल में ही किस देश की टीम विश्व कैडिट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है कहने का मतलब जैसे हम लोग कई इंपॉर्टेंट देख रहे थे जिसमें क्या क्या था अलग अलग टीम क्या कर रही थी मतलब पार्टिसिपेट या उसको जीत रही थी जैसे साउथ एशियन गेम्स से देखें और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ एशियन गेम्स में इंडिया पहली बार क्या एवं हंड्रेड मतलब सौ से ज्यादा पदक जीती है तो यही कह रहा है कि भारत क्या किससे हटी है विश्व कैडेट संतरंज चैंपियनशिप से क्यों कहने का मतलब कि विवाद था जैसे हाल में देख रहे होंगे कि जो विश्व कप हो रहा है उसमें पाकिस्तान क्या बोल रहा था कि शामिल नहीं होंगे वैसे ही और क्या है भारत को लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद क्या भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है टेस्ट वनडे और टी20 में भारत लगातार छठे महीने उभरते हुए बाजारों में शीर्ष पे रहा वैसा बाजार जो इमर्ज कर रहे हैं कहने का मतलब कि जिसका क्या सेंसेक्स एक सब इंक्रीज कर रहा है उसके मामले में वनडे इतिहास में तीन हजार छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर क्रिकेट टीम कौन सा बना भारत क्रिकेट की बात नहीं कर रहा है एक किसी पार्टिकुलर प्लेयर की बात नहीं पूरे ओवरऑल टीम की बात तो भारत पहले पे है भारत में आठवीं बार एशिया कप खिताब जीता है और उसके बाद भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है जैसे यूपीआई सिस्टम जो जो यूनिफाइड पेमेंट है इसके लिए लिए अलग अलग कंट्री को इसको अपनाने के लिए भारत क्या कर रहा है उन्हें इसका फायदा या वो भी कंट्री क्या देख रहे हैं कि इसका क्या बेनिफिट है तो इसी के लिए अपना रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में ही ईसीआई ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव की है कहने का मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने क्या किया कि जो राजस्थान चुनाव है इसके तारीख में क्या कर दिया चेंजेस ला दिया है कहने का मतलब कि यहां तो तारीख अलग रखा गया था उसमें कुछ क्या किया गया बदलाव किया गया क्यों किया गया तो वहां अलग अलग रीजन है जैसे वहां के गवर्नमेंट ने बताया कि हम अभी जो पुलिस व्यवस्था है उसको मतलब रखने में अभी सक्षम नहीं है तो नेक्स्ट क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखिएगा तो इसमें क्या होता है एक चेयरमैन मतलब एक हेड इसका होता है और दो अन्य सदस्य होते हैं जो इसका क्या कहा जाता है मेंबर होते हैं इसी में आ, आगे क्या है जिसमें का, क्या कह रहा है भारत पहला बेटलेड शहर उदयपुर है उसके बाद धौलापुर करौली बाघ अभ्यारण राजस्थान में है और जैसा बताए थे कि भारत का नमा, मतलब 54 टाइगर कौन सा है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? एमपी में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहा है तो एमपी में ही कितने सात हैं और उसके बाद महाराष्ट्र नेक्स्ट क्या कह रहा है राजस्थान में तेतीसवे खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया जैसे हाल में करवाया जाना है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद पैकेज योजना शुरू की है राजस्थान के मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किए हैं जैसलमेर के जीवाश्म के पौधों खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है डायनासोर जब हम लोग जियोग्राफी में जानते हैं अलग अलग एज के बारे में जैसे एज होता है होता है तो उसी में डायनासोर सेनोजो एक एरिया में पाया जाता है जाता था तो इसी के बारे में और राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्ग को लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया किसके लिए पिछड़े वर्ग के लिए कौन सा गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल में ही वर्ल्ड कप में सबसे सब ज्यादा शतक लगाने का महारिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया तो वर्ल्ड कप में जैसे पिछले बार देखे होंगे कि रोहित शर्मा के द्वारा एक ही वर्ल्ड कप में पांच शतक लगाया गया था फिर इस बार लगाया गया और यही रोहित शर्मा एक जो वर्ल्ड कप है सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं

से सम्मानित किया गया ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने डेविड वार्नर और डेविड वार्नर का संबंध कौन से देश से है तो ऑस्ट्रेलिया उस से उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल में ही किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है तो नीलगिरी आप लोग को पता होगा कि कहा माउंटेन है जब साउथ इंडिया को देखते हैं कहने का मतलब पैनेसुलर इंडिया जिसको कहते हैं तो आप लोग जब पैनेसुलर इंडिया देखिएगा जैसे ऐसे पैनेसुला किसको कहते हैं वैसा लैंडफॉर्म जो क्या हो तीन ओर पानी से घिरा हो और आइसलैंड किसको कहते हैं या द्वीप किसको कहते हैं जो चारों तरफ वाटर बॉडी से घिरा हो तो यही नीचे जब देखिएगा तो यही तमिलनाडु वाले एरिया में नीलगिरी अन्नामलाई अन्नामुडाई उसके बाद काडेम हिल्स है तो यही नीलगिरी कहा तमिलनाडु में उसके बाद तमिलनाडु से संबंधित और सारे घटना है जो पीछे के क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहला क्या है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में और चेन्नई में ही क्या वर्ल्ड 17 रन स्टॉप है उसके बाद तमिलनाडु के सलीम सागो को जीआई टैग जीआर टैग के लिए अध्यादेश कब लाया गया 1999 उन, में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना जैसे आप लोग जानते होंगे मिड डे मील दिया जाता है मतलब दोपहर में भोजन दिया जाता है वैसे ही नाश्ता योजना शुरू किया गया है तमिलनाडु सरकार ने इंडिया सेंटर फॉर द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है निर्माण के लिए ये बनाया है आगे क्वेश्चन देखते हैं और जिसमें ये सारे जो क्वेश्चन है

जुहर कप का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और जिसमें क्या कहा गया है हाल में ही चौथे एशियाई पैरा खेल का कहा शुरू किया गया पैरा खेल मतलब वैसे दिव्यांग के लिए हैंडीकैप के लिए आयोजित किया जाता है जैसे हाल में ही भारत क्या हैंडीकैप का क्या कौन सा क्रिकेट विश्व कप जीता था तो वही कहाँ आयोजन करवाया गया चीन में और चीन के हुझाउ में अफगानिस्तान ने अपना पहला राजदूत नियुक्त किया और यही क्या हो रहा था एशियाई गेम्स का आयोजन किया गया था भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में छिहत्तर परसेंट तक के क्या किया है कटौती किया है क्यों क्योंकि इंडिया चाहता है कि हम सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी में क्या बोले सेल्फ डिपेंडेंट बने और इसी के लिए 76 परसेंट तक क्या किया गया रिड्यूस किया गया है नेक्स्ट चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को दो घंटे तक सीमित किया है कहने का मतलब हमारे यहाँ क्या है आप जब भी आपके मतलब इंटरेस्ट पे डिपेंड है कि जब चाहें जब आप कर सकते हैं लेकिन यहाँ दो घंटा ही बच्चों को दिखाया जाएगा उसके बाद चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन की सक्रिय मतलब कहने का मतलब ये क्या कर रहा था पहले बन रहा था पीछे के न्यूज में देखे थे लेकिन अब क्या किया ये काम करना स्टार्ट कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल में ही सीआईसी ने आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम लागू होने के लिए कौन सी वर्षगांठ मनाई है तो 18वीं वर्षगांठ मनाई गई है किसके द्वारा मनाई गई है सीआईसी के द्वारा नेक्स्ट क्या कह रहा है हाल में ही भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए कैसा कहने का मतलब हाल में ही देख रहे थे कि डिजास्टर के लिए अलग-अलग तो वही क्या किया गया है गोवा में इसका आयोजन किया गया है और एक किसके लिए है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है भारत का पहला लाइटनिंग हाउस उत्सव कहा गोवा में और गोवा में ही क्या फिल्म उत्सव मनाया जाना है उसके बाद गोवा सरकार ने अपनी सारी सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है उसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस कहने का मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है वहां अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं उसके लिए क्या एटलस जारी किया है कुछ दिन पहले कौन अमेरिका के द्वारा जारी किया गया था गोवा दुनिया का सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा और आप लोग जानते होंगे जो आर्टिकल फोर्टी फोर है जिसमें क्या है समान नागरिक संहिता जो गोवा में लागू हुआ है और क्या हिमाचल प्रदेश में लागू करने की बात की जा रही है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाल में ही किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया तो आर आई टी एस को क्या किया गया नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाल में ही IOC ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है सी क्या है इंटरनेशनल लेवल पे कहने का मतलब कि ओलंपिक के लिए ये क्या कर चुके थे किसके लिए तो रूस और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा था उसी के कारण क्या किया गया इसे रद्द कर दिया गया रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल सेवन बनाई है उसके बाद रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को कितना तक 70 परसेंट तक क्योंकि यह चाहता है कि जो पहले यूएसएसआर था उसे फिर से क्या कर दिया जाए गठित कर दिया जाए रूस का लूना 25 फाइव अंतरिक्ष मिशन क्या हो गया समाप्त हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल में ही किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दिलीप सिंह सौदा पुरस्कार दिया गया तो आर कृष्ण मूर्ति को दिया गया है किसके लिए राजनीतिक योगदान के लिए, लिए? मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य किसे दिया गया दिलीप नेग मैथेम को जलवायु परिवर्तन पुरस्कार ये सारा क्वेश्चन परसों का है जिसमें सारा क्वेश्चन का क्या अच्छे से डिस्कशन करवाया गया था हाल में ही किसने बारहवीं सिटी गैस वितरण बोली शुरू की है तो ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और जिसमें क्या कहा जा रहा है हाल में ही किसने विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के सूची में अपना पहला स्थान तो इंडिया के लिए क्या एन क्या है एक थर्मल पावर मतलब विद्युत आपूर्ति अलग अलग चीज के लिए और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल में ही क्या कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक सौ इकतालीसवें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र का उद्घाटन किया तो मुंबई में और हाल में ही क्या भारत में ही किसका जी ट्वेंटी का आयोजन किया गया और जी ट्वेंटी में क्या और अगले बार जब ब्राजील में बैठक होगा तो इसे किस नाम से जाना जाएगा जी ट्वेंटी वन क्योंकि अफ्रीका संघ को शामिल किया गया है तो ये थे पंद्रह अक्टूबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो यहीं पे समाप्त होता है थैंक यू फॉर